सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में जिसने अपनी जीभ को संभालना सीख लिया वो जीवन को भी संभाल लेगा, क्योंकि जीभ का स्वाद स्वास्थ्य खराब करता है और वाणी संबंध खराब करती है। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। यह मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं। आज का पंचांग 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:06 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नामक नक्षत्र सुबह 11:48 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर शाम 5:28 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। धनु राशि 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार, ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कह रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपनी जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वो सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी ना लें। बेहतर समय है, लाभ के नए मार्ग बनेंगे। लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता समाप्त होगी जिससे मानसिक शांति मिलेगी। आर्थिक मामलों में ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सफल रहेंगे। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए कोई रास्ता खोलने वाला है। आलस बढ़ता नजर आएगा। आज काम की गति धीमी रहेगी। बड़े टारगेट संबंधित विचार करना नकारात्मक बनाएगा। जिस काम में आपकी रुचि है उस पर ध्यान दें। मित्रों के साथ अचानक से मुलाकात हो सकती है। एक दूसरे के साथ वक्त बिताने से एक दूसरे की समस्या को समझना भी संभव है। काम की जगह बदलाव करने के लिए अपेक्षा से अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये बदलाव करना जरूरी है। प्रपोजल के बारे में सोच विचार करके निर्णय लें। घुटनों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, आपको ध्यान रखें। आज के दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आएगा। आपका कोई छुपा हुआ राज जीवन साथी के सामने आ सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों को जोखिम उठाना भी पड़ सकता है। आज राजनीति में अगर कार्यरत लोग हैं तो अपने कामों में एक अच्छा मुकाम आप हासिल करेंगे। सावधानियां, किसी पर ज्यादा भरोसा या विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने निर्णय ही सर्वोच्च रखें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर पैसा उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने सामर्थ्य से ज्यादा न लें। बात करते हैं लव लाइफ की। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ रोमांटिक संबंध रखने से व्यर्थ का तनाव और परेशानियां पैदा होगी। अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को अलग रखने की कोशिश करें। अपने संबंध में और अपने मन में भी उपज रहे तनाव को कम करने के लिए अपनी कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन करें। बिना बात की चिंताओं और तनाव से आपको संबंध में असुरक्षा महसूस होगी। पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। बात करते हैं करियर की। व्यवसाय संबंधित नई डील होने की संभावना है जो कि फायदेमंद रहेगी, लेकिन इस दौरान किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। अपने काम में बदलाव संबंधित जो नीतियां बनाई हैं उसमें सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। आप किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के बिना छुट्टियों के कुछ दिन बिताने के बाद अब वापस अपनी कार्य करने की शैली में आ गए हैं, लेकिन आपके ग्राहकों सहकर्मियों के व्यवहार से ऐसा नहीं लगता। उन्हें समझें और उनकी समस्याओं के प्रति सम्मान दिखाएं। उन्हें कार्यों से हटकर कुछ मानसिक शांति देने का प्रयास करें, लेकिन उन्हें ऐसा ना लगे कि आप उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। बात करते हैं सेहत की।
आज पेट से जुड़ी दिक्कतों के कारण आप थोड़ा डाउन महसूस कर सकते हैं। हालांकि दिक्कत कोई बड़ी नहीं है, आज पानी और ऐसे ठंडे पे पीते हुए सावधान रहें, क्योंकि इनसे आपको पानी से होने वाला संक्रमण हो सकता है। यह सुझाव भी आपके लिए है कि आज आप बाहर के खाने और अस्वास्थ्यकर भोजन से बचें, नहीं तो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। आज का उपाय, आज शाम को आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।